सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को, और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। NRC और नागरिकता कानून के लिए अमित शाह, आपका बहुत बहुत थैंक्स। मुझे पता है आप चौंक गए, आप सोच रहे होंगे कि आज इस्लामिक वीडियो बनाने वाले एडमिन को ये क्या हो गया, मगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को थैंक यू जरूर बोलोगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी अभी देश में नया नागरिकता कानून बना है और NRC पूरे देश में लागू होने की बात चल रही है, जिसके विरोध में आज हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक साथ खड़े हैं और इनका डटकर विरोध कर रहे हैं। मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको जानकर आप भी अमित शाह को थैंक यू बोलोगे। नंबर 1, दोस्तों कुछ दिन पहले पूरी उम्मत 72 फिरकों में बंटी हुई थी। हर फिरका खुद को जन्नती और दूसरे फिरके को जहन्नमी कह रहा था, मगर जब से यह नया नागरिकता कानून बना है उसके बाद सभी फिरकों को NRC की फिक्र होने लगी है। सबको उम्मत की एकता की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी के साथ अब जन्नत और जहन्नम के लाइसेंस बटने भी बंद हो गए हैं। नंबर 2, दोस्तों कुछ दिन पहले तक एक फिरका दूसरे को गुस्ताखी रसूल कह रहा था, अब उसके मन में दूसरे मसलक वालों के प्रति भाई होने का जज्बा पैदा हो गया है। नंबर 3, दोस्तों दुनिया की रंगीनियों में खोई हुई कौम को अपना घर और अपनी नागरिकता छिन जाने का डर पैदा हुआ, तो उसे आयते करीमा पढ़ने की तौफीक नसीब हुई है। नंबर 4, दोस्तों कुछ दिन पहले तक एक फिरका दूसरे फिरके को बिद्दती और मुशरिक कह रहा था, अब उसके मौलवी सारे मतभेद बुलाकर एक हो जाने की अपील कर रहे हैं। नंबर 5, दोस्तों जब से NRC का जिक्र हुआ है तब से सारे मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौटने की जरूरत महसूस हुई है। नंबर 6, दोस्तों जब से यह नया कानून बना है तब से इत्तेहाद की अहमियत का एहसास पैदा हुआ है, एक अच्छे लीडर की जरूरत शिद्दत से महसूस होने लगी है। इसलिए एक बार अमित शाह आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर हमारे हाकिम ऐसे ही कठोर बने रहे तो शादी पर शाही खर्च करना भूलकर बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करने लगेंगे और अल्लाह से खुद दुआएं करेंगे और मस्जिदों की वीरानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक जालिम बादशाह की बेटी ने आलिम वक्त से पूछा, अगर आपका रब आपको वाकई मोहब्बत करता है तो उसने हमको तुम पर हाकिम कैसे बना दिया। आलिम का जवाब था, चरवा जब बकरियों की रेवड़ को जंगल में चराने के लिए ले जाता है तो उसके साथ 2-4 कुत्ते भी होते हैं, बताओ क्यों। तो लड़की ने जवाब दिया, वो इसलिए कि कुछ बकरियां अय्यार होती हैं, वो इधर उधर भागने लगती हैं, अपने ग्रुप को छोड़कर वो बकरियां इधर उधर भाग जाती हैं, तो वो कुत्ते दौड़ते हुए उन बकरियों का पीछा करते हैं और तब तक उन बकरियों के पीछे दौड़ते हैं और डराते हैं जब तक कि वो बकरियां वापिस अपने झुंड में न आ जाए। यह सुनकर वो आलिम मुस्कुराया और जवाब दिया, बस बेटी वही हमारा मालिक हमारे साथ करता है, जब हम अपने रास्ते से हट जाते हैं और भटकने की राह को चुनने लगते हैं तो वो रब हमें सही रास्ते पर लाने के लिए तुम जैसे कुत्तों को मुसल्लत कर देता है। तो दोस्तों ये NRC और नागरिकता कानून भी कुछ नहीं है, बस तुम्हारा रब तुम्हें ईमान की ताकत और इस्लाम से जोड़ना चाहता है। कभी 370 तो कभी लिंचिंग तो कभी बाबरी मस्जिद तो कभी दादरी, बस देखना यह है कि तुम कब तक अपने रब की तरफ रुजू करते हो। दोस्तों आखिर में यही कहना है कि अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है हर दुश्वारी के बाद आसानी है, बस एक शर्त है हम उसके वफादार बन जाएं।